हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम यहां पे बात करने वाले हैं हमारे वोल्टेज इनपुट और आउटपुट के बारे में। फ्रेंड ठीक है, तो फ्रेंड कई लोग जो है एसएमएस कर रहे थे कि सर आप इनपुट और आउटपुट पे वोल्टेज पे उनकी रीडिंग को बताइए और वो कहाँ से जो है उनकी लाइन जुड़ी हुई होती है उनको बताइए। फ्रेंड ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो वो कंप्लीट देखिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करें इनकी जो आउटपुट और इनपुट की वोल्टेज होती है वो कहाँ कहाँ पे जाती है और इनका जो है वो कौन से सेक्शन पे जाके का जो लाइन है वो यहां पे मिलता है। ठीक है फ्रेंड, देखो सबसे पहले जो चीज है यहां पे मैंने जो स्मैटिक अभी ऑन किया हुआ है, यहां पे हमारा इनपुट और आउटपुट का स्मैटिक यहां पे मैंने ऑन किया हुआ है। जैसा कि इसको हम यहां से थोड़ा सा जूम करते हैं तो फ्रेंड यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे हमारी ये पावर ऐसी है और यहां पे काफी सारे ऐसे लाइन है जो कि हमारी आउटपुट हो रही है या कितनी लाइन ऐसी भी है जो कि हमारी इनपुट हो रही है। फ्रेंड ठीक है, तो फ्रेंड जैसा कि आप बहुत सारे फोन के अंदर ऐसा देखते हो डेड फोन के अंदर कि जो आउटपुट है इनपुट जो है वो वोल्टेज चेक करने के लिए लोग कहते हैं कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को चेक कर लिए। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत सारी जो वोल्टेज है वो कई बार आपके जो है वो बैटरी लगा के चार्जिंग लगा के बहुत सारी वोल्टेज आपको उस कंडीशन पे मिलती है और जो बहुत सारी ऐसी भी वोल्टेज है जो आपका सेट ऑन होने के बाद मिलता है। फ्रेंड ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कितनी जितनी भी सारी यहाँ पे वोल्टेज आपको दिख रही है उन सभी पे आपको जब वो प्रॉपर वोल्टेज मिले या फिर सभी पे वोल्टेज मिलना ज़रूरी है। फ्रेंड ठीक है, कुछ वोल्टेज ऐसी भी है जो कि आपको ऑन होने के बाद मिलेंगे, कुछ वोल्टेज ऐसी भी है जो कि ऑफ में ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आज का ये जो वीडियो है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ और यहाँ पे देख लो फ्रेंड, यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे वोल्टेज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वोल्टेज यहाँ पे L21.8 ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे RF लिखा हुआ है, तो इन चीज़ों से आप समझ जाएंगे कि हाँ ये जो लाइन है वो हमारे RFIC के अंदर जा रहा है, मतलब हमारे नेटवर्क सेक्शन के अंदर जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पे 1.8 वोल्ट हमारे RF लिखा हुआ, मतलब हमारे नेटवर्क सेक्शन के अंदर जा रहा है। फ्रेंड ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे वोल्टेज है यहाँ पे जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये देख सकते हो वीरेज L5 1.8 वोल्टेज ठीक है। तो फ्रेंड कई बार अगर आपको इसको चेक करना हो तो आप कहाँ से चेक करेंगे, इनकी जो लाइन है वो यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है आपको 1.8 वोल्टेज मिलनी चाहिए, बट आपको ये चीज़ नहीं मालूम है कि ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्टिविटी है वो किन चीज़ों से जाके मिल रही है। फ्रेंड ठीक है, तो फ्रेंड इनको कन्फर्म करने के लिए सबसे पहले जो है आपको जाना पड़ेगा आपके एस्मेटिक के अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एस्मेटिक मैंने ओपन किया हुआ, यहाँ पे लेआउट है मेरे पास, तो इस लेआउट पे हम क्लिक करते हैं। तो लेआउट में अगर इस आईसी के ऊपर की अगर बात करें तो वैसे इनकी आईसी की जो नंबर है वो यहाँ पे 8937 है ठीक है फ्रेंड, बट इनकी जो लेआउट के अंदर इनकी जो नंबर है वो यहाँ पे मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। देखो एस्मेटिक के अंदर इनका जो नंबर है वो यहाँ पे यू का मतलब फ्रेंड जितनी भी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है वो यू से हमारी स्टार्ट होती है, जो कि जैसे चार्जिंग जैक हो गया और ये डिस्प्ले कनेक्टर हो गई, हेडफोन जैक हो गया, तो ये सब हमारा जो है यू से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आईसी हमारी लगी हुई है। आप जैसे क्या हो गया सर, आप कैपेसिटर वगैरह पे यू नहीं लिखा हुआ है तो वो उनकी वो अलग चीज़ें, उन पे नाम जो वो लिखा हुआ तो उनकी कोडिंग यहाँ पे लिखी हुई होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो C0805 लिखा हुआ, तो ये सी मतलब कैपेसिटर है, तो यहाँ पे इनकी कोडिंग लिखी हुई है। इनको आप जो है वो आगे एस्मेटिक में जाके सर्च कर सकते हो कि ये जो कैपेसिटर है वो कहाँ पे लगा हुआ है, इनकी जो वोल्टेज है या फिर आउटपुट है वो किन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये U0701 यहाँ पे इस आईसी का नंबर है, इसके अंदर इसको लेआउट में इसी तरीके से पहचाना जाएगा। ठीक है, सॉरी लेआउट की मैं बात करूँ, स्मैटिक में इसी तरीके से इसको पहचाना जाएगा। तो अभी हम चलते हैं फ्रेंड यहाँ पे स्मैटिक डायग्राम के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा स्मैटिक है और इसके अंदर इसका जो नाम है वो यहाँ पे मैं पहले आपको शो कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये हमारा नाम है, देख सकते हो ये इसके अंदर हमारा नाम शो कर रहा है U07, देख सकते हो यहाँ पे U0701 यहाँ पे इनका नाम शो कर रहा, और जो इसके अंदर जो हमारी आईसी लगी हुई है PM8937 इसके अंदर आईसी हमारी लगी हुई है। फ्रेंड ठीक है, तो फ्रेंड देखो जैसे इसमें अगर हम बात कर रहे थे वोल्टेज के बारे में, तो यहाँ पे देखो हमारा जो है ये वीरेज L5 1.8 वोल्टेज है हमारा। ठीक है, तो इसको ये जो लाइन है यहाँ पे ये सिंपल आपको इस कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पे इतनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, देखो 1.8 वोल्टेज, बट आपको ये चीज़ कन्फर्म मालूम नहीं है कि ये जो हमारा लाइन है वो किन से जाके जुड़ी हुई थी। इसके लिए आपको सिंपली जो है वो डायग्राम पे जाना पड़ेगा और डायग्राम पे जाने के बाद वी रेज L5 पे हमको जाना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो L1, L2, L3 यहाँ पे है, L4 है। अब यहाँ पे हम चलते हैं L5 पे। यहाँ पे देखो ये L5 है हमारा, देख सकते हो यहाँ पे L5 है। अब ये जो लाइन हमारी किन से जुड़ी हुई है, तो इनको हम कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखो एक रजिस्टर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है जो कि हमारा सीरीज में है, और उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्टली इस साइड से चलते हैं, यहाँ से इस तरीके से चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि L5 यहाँ पे हमारा L5 डिफरेंट ऑन, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ, डिफरेंट ऑन, मतलब ये जो हमारा वोल्टेज है, जैसे हम जैसे बैटरी लगाते हैं और जो भी हमारी वोल्टेज होती है वो वोल्टेज ये बनाती है, इनको आपको चेक करना होता है, जैसे हमारी पावर आईसी ओके है या नहीं है, तो ये ऑन होने में हमको मदद करता है, मतलब सेट को चालू होने में मदद करता है। तो यहाँ पे L5 डिफरेंट ऑन लिखा हुआ है, तो ये जो रीडिंग है वो आपको चेक कर लेना है कि आपकी पावर आईसी खराब है या नहीं है फ्रेंड, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं फ्रेंड, आपको एक और भी चीज़ें जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अभी हम फिर से चलते हैं यहाँ पे इनपुट आउटपुट वोल्टेज के ऊपर। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं फ्रेंड, और भी किसी चीज़ को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे और भी कोई चीज़ जो मुझे लेने, तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये RFIC से जुड़ा हुआ है, तो वी रेज L21, यहाँ पे देख सकते हो L21 1.8 वोल्टेज RF यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मान लो ये L21 है हमारा, तो इसके लिए फिर से हम अभी चलते हैं आपको ये डायग्राम के ऊपर, और यहाँ पे हम L21 पे क्लिक कर, देखो यहाँ पे L21 पे चलते हैं, तो यहाँ पे ये 12-13 और यहाँ पे नीचे चलते हैं, देख सकते हो ये L21 है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो ये L21 है। तो इसको फ्रेंड हम L21 पे अगर चलते हैं, तो ये जो हमारा है वो L21 यहाँ पे देख सकते हो 1.8, और यहाँ पे ये देख सकते हो RF लिखा हुआ, मतलब ये RFIC के लिए। तो फ्रेंड इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये V-Rays L19, ये जो हमारी IC है वो हमारे वाईफाई के लिए है। यहाँ पे देख सकते हो ये कैमरा के लिए, तो यहाँ पे V-Rays L17 करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे कैमरा के लिए है। तो फ्रेंड इसी तरीके से जो आपको जो इनपुट और आउटपुट की जो वोल्टेज होती है वो कहाँ किन से जाके मिल रही है, वो आपको जो है एस्मेटिक के अंदर आपको पता चल पाएगा कि कौन सी जो कैपेसिटर है वो किन के साथ जुड़ी हुई है और किस पे कितनी वोल्टेज आ रही है, और या फिर वो कौन सी लाइन में लगी हुई है, कैमरे सेक्शन में, नेटवर्क सेक्शन पे, या फिर एनीवे और भी कोई सेक्शन पे जाके हमारा जुड़ा हुआ है। तो ये V-Rays का यहाँ पे देख सकते हो आपने, जैसे इसके इनपुट आउटपुट वोल्टेज पर जैसे ही क्लिक कर, तो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे V-Rays लाइन है हमारे, ठीक है। तो इसको जो है सिंपली आपको वोल्टेज मोड पे चेक करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो L2 हमारा यहाँ पे 1.2 वोल्टेज यहाँ पे बना रहा है, तो इसको ये जो लाइन वो कहाँ पे जा रही है, तो इसको एक बार फिर से इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं और डायग्राम के ऊपर, और यहाँ पे L2 करके था, तो यहाँ पे देखो ये L2 करके हमारा यहाँ पे पॉइंट था, तो L2 पे अगर हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कौन सी लाइन हमारी ये बन रही है L2, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो LPDDR इज MIPI करके यहाँ पे हमारा ये जो रीडिंग है वो बन रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो है हमारे वो CPU के लिए लाइन हमारी जा रही है, तो ये सब लाइन जो है फ्रेंड वो आपको यहाँ पे सिंपली चेक करना होता है। और आपने देख लिया कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर जो वो लाइन बनी हुई, इनकी पॉइंट्स बनी हुई है, इन कंडीशनों में आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन सी लाइन हमारी है वो कौन से IC से जुड़ी हुई है, या फिर कितनी वोल्टेज कौन से IC को मिल रहा है। आपको इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के अंदर सिर्फ आपको यहाँ पे वोल्टेज दिखाया जा रहा है, बट ये चीज़ किन से जुड़ी हुई है वो चीज़ इसमें आपको दिखाया नहीं जा रहा फ्रेंड, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो फ्रेंड आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। इनमें जो चीज़ मैंने आपको बताई है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बारे में, इनको आपको किस रेटिंग पे चेक करना है, तो आपको वोल्टेज 20 की रेंज पे इसको चेक करना है कि कहाँ पे कितनी वोल्टेज हमको मिलनी चाहिए। वैसे तो यहाँ पे सारी वोल्टेज यहाँ पे लिखी हुई है, जिन जिनों पर वोल्टेज लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ है, इनको आप उस मोड पे जाके जो है वो चेक कर सकते हो अपने मल्टीमीटर में फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो आउटपुट इनपुट की जो वोल्टेज थी वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि ये जो वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली।